सात दिन का ही संकल्प क्यों लिया गया? क्योंकि भैया व्यक्ति के जीवन में केवल सात दिन हुआ करते हैं। कहने के लिए तो कहा जाता है कि हमारे मैं 100 साल जीऊंगा, मैं 120 साल जीऊंगा, लेकिन भैया अगर ध्यान से देखा जाए तो व्यक्ति के केवल और केवल जीवन में जो होते हैं वो सात दिन होते हैं। क्योंकि इन्हीं सात दिनों के अंदर में हमें मरना पड़ता है और इन्हीं सात दिनों के अंदर में हमारा पुनः जन्म होता है। और इस संसार में आने के बाद में व्यक्ति ऐसे बंधनों में बंध जाता है कि वो जाकर के भी दूसरे की मदद कर नहीं पाता। कहने का मतलब तो हमारा ये है कि जब इस संसार में आए हो तो संसार में आने के बाद में कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग हजारों हजारों वर्षों याद करती रहे। मरना भी व्यक्ति का तब होता है जो संसार में आ करके और संसार से चला तो जाए लेकिन अपना नाम अमर करके जाए, अपना नाम इस दुनिया में छोड़ करके जाए, जिसके नाम की चर्चाएं हजारों हजारों वर्षों होती रहे। क्योंकि व्यक्ति का जो जन्म होता है, जैसे ही माँ के गर्भ से जन्म हुआ और उसी समय से हमारे हम जो हैं माया के बंधन में बंध जाते हैं। हम संघर्षों को झेलना शुरू कर देते हैं, संघर्षों से लड़ने की क्षमता हम लोगों में प्राप्त होती है। क्योंकि भैया हमारा जीवन ही ऐसा होता है कि जब हमारा जन्म माँ के गर्भ से होता है और माँ के गर्भ से जन्म होने के बाद में जब तक शादी नहीं होती तब तक व्यक्ति के एक आयु, व्यक्ति का एक उम्र जो होती है वो एक पक्षी के समान होती है। जब तक शादी नहीं होती तब तक कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जिस प्रकार से एक पक्षी उड़ करके इधर उधर जाता रहता, शादी के पहले व्यक्ति इधर उधर जाता रहेगा। पक्षी के कितने पैर होते हैं? दो। और हमारा जब माँ के गर्भ से जन्म होता तो हमारे पैर कितने होते हैं? दो। इसलिए माँ के गर्भ से जन्म होने के बाद 20 साल तक हम पक्षी के समान होते हैं। 20 साल के बाद जब विवाह हो जाता तो कितने पैर हो गए? कितने हो गए? चार। चार पैर किसके होते हैं जानते हो? चार पैर होते हैं बैल के, कहने का मतलब पशु के। चार पैर बैल के होते, जैसे ही व्यक्ति का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पत्नी जैसे ही घर में आई तो व्यक्ति की उम्र एक पशु के समान हो जाती है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि जैसे ही चार पैर होते हैं तो मन में विचार आता है कि अब कुछ कमा लिया जाए, अब कुछ जिंदगी के लिए कमा लिया जाए। इसके बाद में दो बच्चे और हो गए। दो बच्चे होने के बाद अब कितने पैर हो गए? आठ। आठ पैर किसके होते हैं जानते हो? आठ पैर होते हैं मकड़ी के। मकड़ी के आठ पैर होते। व्यक्ति के घर में जैसे ही बालक आए उसी समय से व्यक्ति की जिंदगी जो है एक मकड़ी के धागे की तरह उलझ जाती है। जिस प्रकार से मकड़ी धागा बनाती है, जरा पूरती है, पूरने के बाद फिर मिटाल देती है, फिर बनाती है, फिर मिटाल देती है, इसी प्रकार से हमारी जिंदगी होती है। न जाने इस जिंदगी में कितने संघर्ष आते हैं, न जाने इस जिंदगी में कितनी कठिनाइयां आती, कितनी मुसीबतें आती, लेकिन हम लोग सभी को झेल लेते हैं।
व्यक्ति वही है संसार में जिसने हंस करके कष्टों को झेल लिया, वो संसार में आने के बाद व्यक्ति नहीं है जो छोटे से संकट के ऊपर गली गली में रोना शुरू कर देता। व्यक्ति वो होता है जो हंस करके संकटों को काटता है। आज की दुनिया में दुखी तो सब है, कोई अगर नहीं भी दुखी है तो संसार के लोग उसे सुखी देखना नहीं चाहते हैं, उसे दुखी कर देते हैं। और आज की दुनिया में स्थिति वो है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाता। अगर किसी ने दो पैसे इकट्ठे कर लिए, अगर उसका राग बाग बहुत अच्छा हो गया तो देखने वाले लोग जलने लगते, लगता है न जाने क्या क्या विचार लगाते। कोई सोचता कि लगता है रात में डकैती डाल के लेकर के आता, और कोई सोचता है कि भैया ये धंधे में घोटाला करता है।